डॉक्टर आदित्यनाथ जी महाराज जी के परम सानिध्य में आज की बैठक रखी गई है। आचार्य जी के नेतृत्व में हमारा एक प्रतिनिधि डीएम साहब से मिल भी चुका है, हालांकि उन्होंने आश्वस्त किया है मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज की बैठक किस उद्देश्य में रखी है? छाता तहसील के शाहपुर गांव में जो बिहारी जी मंदिर की जमीन थी, जिसको मुलायम सिंह की सरकार ने, सपा की सरकार ने जबरदस्ती मुस्लिम समाज को उस समय दे दिया था, और तब से लेके आज तक ये मामला पेंडिंग चल रहा है, जबकि सारे साक्ष्य हिंदू समाज के बिहारी जी मंदिर के पक्ष में मिल चुके हैं, सारी जांच की रिपोर्ट हमारे हिंदू समाज के पक्ष में आ गई है, मगर उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई जिलाधिकारी और अन्य मथुरा के अधिकारियों द्वारा नहीं हुई है। धर्म रक्षा संघ इनको चेतावनी देता है सरकार को कि यदि 15 दिन के अंदर बिहारी जी मंदिर का नाम वहाँ दर्ज नहीं हुआ तो एक बड़ी धर्म पंचायत शाहपुर गांव में की जाएगी और उसके बाद एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हम चाहते हैं कि वो जमीन हिंदू समाज को, बिहारी जी के मंदिर को मिले और वहाँ एक दिव्य और भव्य मंदिर बने। हमारे मंदिर के गर्भगृह के स्थान पर जो मजार बनी हुई है, उस मजार को तुरंत वहाँ से हटा देना चाहिए, और इसी विषय को लेकर आज की बैठक है और ये चेतावनी सरकार को दी गई है और आगे आंदोलन की। आचार्य जी, आज की बैठक के विषय में बताएं। सपा सरकार के समय जिस प्रकार से 108 नंबर को खुर्द-बुर्द करके और उस पर मिलता जुलता नंबर बनाकर उन्होंने दरगाह के नाम बांके बिहारी के मंदिर की ज़मीन को छाता से लगभग 25 किलोमीटर दूर साहेबपुरा गांव में कर दिया था, जिसके लिए तभी से लड़ाई लड़ी जा रही है। हमारे वहां पर राम अवतार गुर्जर धर्म रक्षा संघ की ओर से इसकी पैरवी कर रहे हैं और हमारी संपूर्ण धर्म रक्षा संघ की टीम कई बार उस प्रकरण में मंत्री जी से भी मिल चुकी है, अधिकारियों से मिल चुकी है। जिलाधिकारी ने एक कमेटी बनाई है जिसमें अपर जिलाधिकारी को उन्होंने अध्यक्ष नियुक्त करके और उस कमेटी के द्वारा शीघ्र जांच के लिए आदेश दिया था, तथापि अभी तक कोई जांच नहीं हो पाई है। पहली बार उस बैठक में हम लोग सम्मिलित हुए तो लगा कि कुछ काम हो रहा है, फिर भी अभी वही ढाक के तीन पात हैं, एक कदम भी आगे हमारी ये जांच आगे नहीं बढ़ी है। जब वक्फ बोर्ड ने भी कह दिया है कि हमारे यहाँ इस ज़मीन पर हमारा इंदिराज नहीं है, कोई नाम नहीं है, बांके बिहारी का ही नाम है, केवल हमारे मथुरा के कागजों में बांके बिहारी, यहाँ पर बांके बिहारी की जगह इन्होंने कब्रिस्तान कर दिया, ऊपर कहीं भी लखनऊ तक और किसी भी वक्फ बोर्ड तक कोई नाम वहाँ पर दूसरा नहीं है। इसीलिए इन अधिकारियों को चाहिए कि जब सत्यता सामने आ गई है तो उसको वह गौर करें और शीघ्र ही हमारे बांके बिहारी के नंबर का नाम दर्ज करें।